सैल्मन फिश दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेटरी फिशेज यानी कि प्रवासी मछलियों में से एक है, जो कि अपने जीवन चक्र की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जल के प्रवाह के विपरीत दिशा में लगभग 7000 फीट तक की ऊंचाई और 1400 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। सैल्मन फिश दुनिया के उन चुनिंदा मछलियों में आती है जिसका मीट यानी कि फ्लैश लाल गुलाबी या नारंगी रंग का होता है। सैल्मन फिश अनजाने में ही वनों के विकास और लोकल इकोसिस्टम को बनाने में मदद करती है। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि सैल्मन फिश मीठे पानी से लेकर समुद्र के खारे पानी में भी जीवित रह सकती है, लेकिन कैसे? दोस्तों, यह सभी सवाल सैल्मन फिश के जीवन चक्र की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जिसे हम वीडियो में आगे जानेंगे। वैसे तो आज इस पृथ्वी पर मछलियों की कुल 34,300 प्रजातियां निवास करती है, जो कि समुद्र के खारे पानी से लेकर नदी, झील और तालाब के मीठे पानी में रहती है। मछलियाँ पृथ्वी के उन जीवों में आती है जिसे हम इंसान पालतू बनाने से लेकर अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आज पृथ्वी के 7.9 बिलियन की पॉपुलेशन में से 3.2 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि मछली का इस्तेमाल अपने डेली प्रोटीन के जरूरत को पूरा करने के लिए करता है। आज पूरे दुनिया में अवेलेबल एनिमल मीट प्रोटीन में 17 से 20% योगदान बस मछलियों का है। सैल्मन फिश भी उन मछलियों में आती है जिसका इस्तेमाल आज बड़े पैमाने पर मीट पर्पस के लिए किया जाता है। यह टूना फिश के बाद पूरी दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा खाई जाने वाली मछली है। सैल्मन फिश को आज उसके हैबिटेट के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पैसिफिक सैल्मन और अटलांटिक सैल्मन शामिल है। लेकिन सैल्मन फिश के इन दोनों वर्गों में 7 अलग अलग प्रजातियां शामिल है। अलास्का की यह मछली चिले, नॉर्वे, स्कॉटलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में बहुतायत में पाई जाने वाली एक मछली है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सैल्मन फिश को एनाड्रोमस वर्गों के जीवों में रखा गया है, जिसका मतलब यह है कि यह मछली जन्म तो मीठे पानी में लेती है, लेकिन जन्म के कुछ महीनों या कुछ सालों बाद यह समुद्र में लौट जाती है और पुनः प्रजनन कर अंडे देने के लिए मीठे पानी में लौटती है। एक सैल्मन फिश के जीवन चक्र की प्रक्रिया में एग, एलिवेंस, फ्राई, पर, स्पॉल्ट, एडल्ट और स्पॉनिंग एडल्ट जैसे 7 स्टेज होते हैं, जिसकी शुरुआत सैल्मन मछलियों के समुद्र से नदी में वापसी की प्रक्रिया के साथ शुरू होती है। वापसी के इस प्रक्रिया में लाखों की तादाद में सैल्मन समुद्र से वापस मीठे पानी में लौटती है, जहाँ उनका जन्म हुआ था। सैल्मन जल के प्रवाह के उल्टी दिशा में लगभग 7000 फीट तक की ऊंचाई और लगभग 1400 किलोमीटर का सफर तय कर अंडे देने के लिए उचित स्थान पर पहुंचती है। उचित स्थान पर पहुंचने के बाद सैल्मन मछलियां अंडे देना शुरू करती है, जहां मादा द्वारा उनके साइज के आधार पर 1500 से लेकर 10000 तक अंडे दिए जाते हैं, जिसे नर द्वारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के क्रिया द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है। एक बार जब अंडे फर्टिलाइज हो जाते हैं, तब मादा द्वारा इन अंडों को पत्थरों से ढक दिया जाता है। अब जल के तापमान और इनक्यूबेशन पीरियड के आधार पर 3 से 4 दिनों में इन अंडों में से एलिवेंस बाहर निकलते हैं। एलिवेंस को उसके पेट पर लगे यॉर्क सैक से आसानी से पहचाना जा सकता है। शुरुआती दिनों में एलिवेंस इन्हीं यॉर्क सैक से भोजन प्राप्त करता है और शिकारी जीवों से बचने के लिए पत्थरों के नीचे या उसके दरारों में छिपा रहता है। सैल्मन फिश अपने एलिवेंस स्टेज में 40 से 50 दिनों तक रहता है। इन दिनों में यह थोड़े विकसित हो जाते हैं और जब इनके यॉर्क सैक पूरी तरह गायब हो जाते हैं, तब यह अपने लाइफ साइकिल के तीसरे चरण यानी कि फ्राई स्टेज में पहुंचते हैं। इस चरण में यह छोटी मछलियों के समान ही दिखाई देती है। इस स्टेज में भी यह एलिविंस के समान शिकारी जीवों से बचने के लिए कंकड़ पत्थर के बीच के दरार में छुपने का सहारा लेती है। फ्राई स्टेज में यह शिकार कर भोजन प्राप्त करना सीखती है, क्योंकि अब इनके शरीर में ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए यॉर्क सैक नहीं होता है। दोस्तों, एक तरफ जहां सैल्मन फिश के लाइफ साइकिल में जीवन पनप रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ अंडे देने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर आए स्पॉनिंग सैल्मन आए दिन अपने मृत्यु के करीब पहुंच रहे होते हैं, क्योंकि मीलों का सफर तय करना, जल के विपरीत धारा में तैरना, अंडे देने की प्रक्रिया तक जब पूरी तरह कमजोर हो चुकी होती है, जिस कारण से महीनों की भूख और कमजोरी के कारण यह मर जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान सैल्मन फिश कई जीवों के शिकार भी बन जाते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे प्रक्रिया के दौरान 90% सैल्मन फिश मर जाती है, वहीं 5 से 10% सैल्मन फिश ही वापस समुद्र की जलधारा की ओर लौट पाती है। दोस्तों, हमने वीडियो में पहले ही जाना है कि सैल्मन फिश अनजाने में ही वनों के विकास और लोकल इकोसिस्टम को बनाने में मदद करती है।
क्योंकि मरने के बाद यह सरकर खाद बन जाती है, वहीं दूसरी तरफ भालू जैसे जीव जो इसे नदी किनारे से दूर ले जाकर खाते हैं और बचे हुए टुकड़ों को जमीन में ही छोड़ देते हैं। आपको बता दें कि भालू सैल्मन फिश के मात्र 50% मीट या फ्लेश को ही खाता है, बाकी के 50% फ्लेश को यह जमीन पर ही छोड़ देते हैं, जो कि सरकर सॉइल न्यूट्रिएंट्स को बूस्ट करने का काम करता है, जिस कारण से यह घने जंगलों के निर्माण में एक निर्णायक भूमिका निभाती है। दोस्तों, यही कारण है कि सैल्मन फिश को फिश दैट फीड द फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम सैल्मन फिश के जीवन चक्र की प्रक्रिया पर वापस आते हैं। अंडों से एलिविंस और फ्राई बनने के बाद यह अपने लाइफ साइकिल के चौथे चरण यानी कि पर स्टेज में पहुंचती है। पर स्टेज में सैल्मन फिश के शरीर पर धारियां विकसित हो चुकी होती है, जो कि इसे छलावरण की प्रक्रिया में काफी मदद करती है। इस अवस्था में सैल्मन फिश मीठे जलधारा वाले नदियों में ही रहती है, अपने क्षेत्र का निर्माण करती है, शिकार कर भोजन प्राप्त करती है और विकसित होने की प्रक्रिया में लग जाती है। मीठे जलधारा में लगभग 1 से 3 सालों तक रहने के बाद यह अपने लाइफ साइकिल के पांचवें चरण यानी कि स्मॉल स्टेज में पहुंचती है। अब यह साइज में लगभग 25 सेंटीमीटर तक बड़ी हो चुकी होती है। स्मॉल स्टेज एक सैल्मन फिश के लाइफ साइकिल का वह दौर होता है जब यह नदियों से समुद्र की ओर प्रवास कर रही होती है और मीलों का सफर तय कर यह समुद्र में पहुंचती है। लेकिन यहाँ एक सवाल यह है कि कैसे एक मीठे पानी की मछली समुद्र के खारे पानी में भी जीवित रहती है। दोस्तों, इसका सीधा जवाब यह है कि सैल्मन फिश ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया द्वारा अपने शरीर के पीएच और वाटर लेवल को मेंटेन रखती है, यानी कि यह मछली समुद्र के खारे पानी से लेकर नदियों के मीठे पानी में अपने शरीर के नमक को एक बराबर मात्रा में बनाए रखती है, जो कि इसे समुद्र के खारे पानी से लेकर नदियों के मीठे पानी में जीवित रहने में मदद करती है। समुद्र में पहुंचने के बाद सैल्मन फिश का काम बस भोजन प्राप्त कर अपने साइज को बढ़ाना होता है, जिस कारण से यह काफी मात्रा में भोजन करती है और समुद्र में जाने के लगभग 1 साल बाद ही यह अपने लाइफ साइकिल के छठे चरण यानी कि एडल्ट स्टेज में पहुंच जाती है, जहां इसका वजन 1 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम तक हो चुका होता है और इसके शरीर के रंग भी लाल, गुलाबी या नारंगी रंग के होने लगते हैं। वैसे तो सैल्मन फिश के मीट या फ्लेश व्हाइट ही होते हैं, लेकिन सैल्मन फिश के लाल, गुलाबी और नारंगी रंग होने का कारण एक अल्गी है। यह अल्गी एस्टेक्स एंथिंग नाम का एक रेड पिगमेंट बनाता है, जिसे श्रिम्प खाते हैं और श्रिम्प को सैल्मन फिश खाती है, जिस कारण से वह पिगमेंट सैल्मन फिश के बॉडी में चला जाता है और इसके मसल्स में आकर स्टोर हो जाता है। इसी के फलस्वरूप सैल्मन फिश का मीट लाल, गुलाबी या नारंगी रंग का दिखाई देता है। विकास के इस प्रक्रिया में लगभग 1 साल रहने के बाद सैल्मन फिश पूरी तरह एडल्ट हो जाती है। श्रिम्प का शिकार कर भोजन प्राप्त करते करते अब सैल्मन फिश के मसल पूरी तरह लाल हो चुके होते हैं। वहीं समुद्र में इतने दिन रहने के बाद सैल्मन फिश अब पूरी तरह वाइल्ड दिखने लगती है। अब यह अपने लाइफ साइकिल के सातवें चरण यानी कि स्पॉनिंग स्टेज में पहुंच चुकी होती है। स्पॉनिंग स्टेज में जाने के बाद सैल्मन फिश पुनः मीलों का सफर तय करती है और समुद्र के खारे पानी से लौटकर वापस नदियों के मीठे पानी में जाती है, प्रजनन कर अंडे देती है और जीवन चक्र के इस प्रक्रिया को बनाए रखती है। एक सैल्मन फिश का जीवन काल लगभग 4 से 5 सालों तक का ही होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।